Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, we will learn about the concept lens formula. Means spherical lens के लिए एक formula होता है जिसके basis पे हम object distance, image distance और focal length को compare करते हैं. उसे बोलते हैं lens formula. ठीक है, इसके बारे में समझेंगे. In a spherical lens, the distance of the object from its optical center is called the object distance denoted by u. जो भी हम distance measure करेंगे वो optical center से करते हैं lens के, और ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस जो है वो कहलाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिनोटेड बाय यू. द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस डिनोटेड बाय वी. जहां इमेज बनेगी उसको हम मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से लेके इमेज तक की, उसे उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, इमेज डिस्टेंस डिनोटेड बाय वी. The distance of the principal focus from the optical center is called the focal length denoted by F. अब जो focus होगा, उसकी distance optical center तक measure करेंगे, उस distance को बोलेंगे हम focal length denoted by F. तो यहाँ importance ये, यही चीज mirror में भी होती है, ठीक है? Object distance, image distance and focal length. फर्क क्या है? वहाँ pole से measure करते हैं, यहाँ पे हम optical center से measure करते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिला u, इमेज डिस्टेंस मिला v और फोकल लेंथ मिला f. इनके बीच में एक रिलेशन बनता है, ठीक है? द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज गिवन बाय द लेंस फॉर्मूला व्हिच इज एक्सप्रेस्ड एज दिस. क्या है फॉर्मूला यहाँ पे, ये है 1 upon V minus 1 upon U equals to 1 upon F. मतलब इमेज का इमेज डिस्टेंस का रेसिप्रोकल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेसिप्रोकल उनके बीच में माइनस होगा, इक्वल टू होता है फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल. ये है लेंस फॉर्मूला जो कि एक्चुअल में V, U और F को किससे रिलेटेड, स्फेरिकल लेंस से रिलेट करके ये आपको रिलेशन मिलता है, ठीक है? इस रिलेशन का यूज क्या है, तीन में से अगर दो अननोन क्वांटिटी, दो नोन क्वांटिटीज हैं, हम थर्ड अननोन क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं. मतलब v और u अगर आपको पता है तो फोकल लेंथ मिल जाएगा, u और f पता है तो v मींस इमेज डिस्टेंस मिल जाएंगे. इस तरह से आप तीन में से अगर दो नोन क्वांटिटीज हैं तो थर्ड अननोन क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हो. ध्यान रहे यहां पे आपको साइन कन्वेंशन जरूर यूज करना होगा. साइन कन्वेंशन का मतलब कब आपको जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है, उसमें कब पॉजिटिव साइन लेना है, कब नेगेटिव साइन लेना है, उसका यूज करके आप इस लेंस फॉर्मूला के बेसिस पे अननोन क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हो. तो ये आपने पढ़ा किसके बारे में, लेंस फॉर्मूला के बारे में.